गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। और एक प्रसन्नता की बात जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो 2016-17 का UPSC का विज्ञापन था GIC लेक्चरर का, जिसमें केवल 24 पोस्ट थी और उस 24 में से 4 मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। कल सबके फोन आए थे परसों, जिसमें अरविंद सरोज हैं, शैलेश यादव हैं, बड़े लाल हैं और ओम प्रकाश हैं। इन चारों के चाहें तो आप जो है फेसबुक पर अपलोड है, उनके रोल नंबर और नाम भी देख सकते हैं, कांटेक्ट भी उनसे कर सकते हैं। खुशी हुई मुझे तो उनकी सफलता का केवल और केवल एक कारण था, उन्होंने खुद शेयर किया था कि जो मेरे टेस्ट पेपर थे और जो नोट्स थे केवल उसी के ऊपर उन लोगों ने फोकस किया, चाहे वो लैंग्वेज का रहा हो या फिर लिटरेचर का। और साथ में बड़ी ईमानदारी से उन लोगों ने मेहनत किया था। तो खुशी मुझे इस बात की है कि ये चारों के चारों पहले भी सेलेक्ट थे ELT में, और जहाँ तक शैलेश यादव का है ये इम्फाल में पोस्ट थे। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि सर आपके आशीर्वाद से हम अब मैदानी इलाकों में आ जा रहे हैं, तो बेहद अच्छा लगा। खैर ये तो उन लोगों के सिलेक्शन की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बेहतर परिश्रम करेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है। अब एक सवाल ये है कि 7 और 8 को आप के TDT का पेपर है और 17-18 में PDT का है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के बाद बस कल मैं केवल एग्जाम स्ट्रेटजी के ऊपर जो है चर्चा करूंगा 1 घंटे, कि किस तरह से जो है आपको पेपर देने हैं और पहले किस किस पोर्शन को आपको अटेम्प्ट करना है। और मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में भी बताता रहा हूँ कि 2 घंटे में आप लोग 2 बार पेपर सॉल्व कर सकते हैं अगर इस स्ट्रेटजी को आप सही ढंग से फॉलो करें तो। खैर ज़्यादा चर्चा नहीं करके नलिनी और जो मनु हैं उन लोगों के ये सहपाठी भी रहे हैं सब, अरविंद सरोज और शैलेश यादव, बड़े लाल, यहाँ तक ओम प्रकाश और बड़े लाल का प्रश्न है, ये शैलेश यादव का, ये लोग दिव्यांश एकेडमी में ही मुझसे पढ़ते थे, बाकी अरविंद सरोज और बड़े लाल ये लोग गैलेक्सी ऑफ इंग्लिश में मेरे ही साथ पढ़ते थे। खैर जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। होम थॉट फ्रॉम द सी PDT के सेकेंड पार्ट की चर्चा है, जो आप लोगों के पास क्वेश्चन पहुंच गए होंगे। होम थॉट फ्रॉम द सी इज ए फेमस पोएम बाई ब्राउनिंग, तो 110 का जो ऑप्शन है वो है बी करेक्ट। होम थॉट फ्रॉम द सी ब्राउनिंग की रचना है। ब्राउनिंग्स एलिजाबेथ माउंटन बैरेट, बाद में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हुई, तो इनिशियली शिवाजी सिंगर, तो 111 में जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है डी। ब्राउनिंग इज नोन फॉर लव पोएट, 112 का जो है वो भी बी है। और 113 ब्राउनिंग सार्डेलो इज अ लॉन्गर पोएम विच कंटेन 6,000 लाइन्स, तो ऑप्शन बी 113 का भी ऑप्शन बी है।
ब्राउनिंग वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे 114 का भी आप संधि है और 15 अर्नॉल्ड कंपोज्ड इन मेमोरियम इन द मेमोरी ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड आर्थर हेलाम 115 का सी और टेंशन वॉज रेज टू पियरेज ऑफ बैरन इन 1883 ऑप्शन डी करेक्ट है 116 का इन क्रिटिसिज्म आर नोन एज बाइबल ऑफ कल्चर ये रचना है एर्नॉल्ड की द डॉक्ट्रिन ऑफ कल्चर ऑप्शन सी करेक्ट है 117 छूट रहा है मॉड इज ए वर्क ऑफ टेनिसन ऑप्शन ए और 118 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कल्चर एर्नॉल्ड की रचना है ऑप्शन सी करेक्ट द ग्रेटनेस ऑफ पोएट लाइज इन हिज वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ इट टेल्स हाउ टू क्वेश्चन एंड हाउ टू लिव ये मैथ्यू अर्नॉल्ड ने जो है लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ कल्चर में तो 119 का ऑप्शन है ए और 120 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय अर्नॉल्ड तो रग्बी चैपल लिखा है और ऑप्शन डी करेक्ट है 120 का कार्ल्स रीड द क्लॉयस्टर एंड हार्डनेट का हालांकि ये क्वेश्चन है ये नॉवेल है 121 का ऑप्शन बी Which is only one novel on which the fame of Richard Blank rests more तो Lorna Doone का है 122 का ऑप्शन है Who is not one of Bronte's sister तो Jane Austen नहीं थी बाकी Charlotte Bronte, Emily Bronte और Anne Bronte ये तीनों जो हैं नॉवेलिस्ट थी तो जेन ऑस्टिन नहीं है 123 का ऑप्शन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड बाय टेनिसन द कप एंड द फाल्कन ऑप्शन सी और 125 अल्फ्रेड टेनिसन Was born in 1809 ऑप्शन बी 125 का ऑप्शन बी Which medal did he get for his poem Timbuktu in 1929 तो वो था चांसलर्स मेडल 126 का ऑप्शन बी एक सौ सत्ताईसवां क्वेश्चन देखा जाए हु रोट द ओल्ड ऑर्डर चेंजेज फील्डिंग प्लेस टू न्यू ये लॉर्ड टेंशन की पोएम है मॉर्टेड आर्थर या पासिंग ऑफ आर्थर की 127 का ऑप्शन बी और 128 है लास्ट पोएम ऑफ टेंशन कंपोज्ड वाज द डेथ ऑफ इनोक 128 का ऑप्शन बी Browning had a special love for Italy. 139 का ऑप्शन ए और 130 है all his writing are experimental studies in spiritual experience. ये Compton Rickett का स्टेटमेंट है Browning के बारे में तो ऑप्शन बी करेक्ट है 130 का ऑप्शन बी Compton Rickett. The first printed poem of Browning is Pauline. 131 का ऑप्शन ए ब्राउनिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायरन एंड शेली ऑप्शन डी
132 का ऑप्शन बी और 133 है द पोयम लॉस्ट रीडर ब्राउनिंग हैड क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है लॉस्ट रीडर में। 133 में का ऑप्शन करेक्ट है डी। एक सौ चौंतीस क्वेश्चन देखा जाए तो आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, ये क्रॉस्बी के पोयम है ब्राउनिंग की, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 134 का ऑप्शन सी। हु कंसीडर्ड ब्राउनिंग एज फिलोसफिक पोएट, फ्रेडरिक रीलैंड ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फ्रेडरिक रीलैंड ने ब्राउनिंग को फिलोसफिक पोएट माना है। 135 का ऑप्शन डी। छत्तीस है मेजर वर्क्स ऑफ विक्टोरियन एज वाज आर वर, तो टेनिसन भी रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी करेक्ट है। 136 का ऑप्शन डी। 137 टेनिसन वाज बॉर्न ऑन 6 अगस्त। 137 का ऑप्शन ए। और टेनिसन वाज बॉर्न एट लिंकनशायर। टेनिसन बीकेम पोएट लॉरेट इन 1850। 139 का ऑप्शन ए। और 139 टेनिसन बीकेम 140 अल्फ्रेड टेनिसन पोएम टिम्बकटू ब्रॉट हिम अ मेडल। ऑप्शन बी करेक्ट है 140 का। 141 का ऑप्शन ऑप्शन सी। मैथ्यू आर्नल्ड वाज बॉर्न इन 1822। ऑप्शन सी। 142 का ऑप्शन सी। और वर्क्स ऑफ कार्ल डिकेंस ब्रॉट हिम ब्रॉट हिज डिग्निटी बाय डॉम्बी एंड सन, ग्रीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड, ऑल ऑफ दीज, तो 143 का ऑप्शन डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थॉमस हार्डी डिपिक्टेड द ट्रेजिक पिक्चर ऑफ मैन एंड वीमेन, हेलम वॉज क्लोज फ्रेंड ऑफ टेनिसन, आप थॉमस हार्डी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए ओनली वन जो है। थॉमस हार्डी डिपिक्टेड ट्रेजिक पिक्चर ऑफ मैन एंड वीमेन ओनली वन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 144 का। और 155 विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो डियर ये डेविड कॉपरफील्ड पहली, फिर उसके बाद टेल ऑफ टू सिटीज और ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका सही है, तो 145 का ए। और 146 है डोमा इज एन एक्सक्विजिट इडिल अमंग द फॉलोइंग बाय लॉर्ड टेनिसन, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 146 का ऑप्शन डी। द पोयम ऑफ टेनिसन वॉज लॉन्गर पोयम ऑफ ओवर 3000 लाइन्स ऑफ ब्लैंक वर्स, तो ये मॉड नाम की रचना है। 147 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी। What is common of the following writers, identify the correct description below. David Copperfield, Bleak House, Hard Times, A Tale of Two Cities,
ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं कार्ल डिकेंस की हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, 148 का ऑप्शन डी। हंड्रेड फोर्टी नाइन, हु अमंग कार्ल डिकेंस कैरेक्टर इज अम्बल एंड हु इज विलिंग, तो उरिया हीप और बार्किस, ये ऑप्शन डी 149 का डी। और 150 है कार्ल डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज बिगिंस, इट वाज बेस्ट ऑफ टाइम इट वाज वर्स्ट ऑफ टाइम, तो यही से शुरुआत होती है, ओपनिंग लाइन है ये 150 का ऑप्शन ई। लिटिल नेलीज कैरेक्टर इन ओल्ड क्यूरियासिटी शॉप, ऑप्शन डी है 151 का ऑप्शन डी। और द प्लान ऑफ आर्थरियन स्टोरीज हैज इन्फ्लुएंस्ड द कंपोजिशन ऑफ टेनिसन्स इडिल्स, इडिल्स ऑफ किंग्स पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, 152 का ऑप्शन डी। Which of the following of Tennyson's poem is dramatic monologue? Tithonus dramatic monologue है, 153 का ऑप्शन बी। और the famous line where ignorant armies clash by night, ये last line है मैथ्यू आर्नॉल्ड की कविता डावर बीच की है, तो 154 का ऑप्शन डी। द कोर्ट ऑफ चेंसरी इज सेटिंग इन डिकेंस हार्ड ब्लीक हाउस, तो ऑप्शन 55 का है डी, ब्लीक हाउस। एबेल विटल इज ए कैरेक्टर इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरबिस, 156 का ऑप्शन बी। पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय कार्ल डिकेंस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स और ब्लीक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, तो ब्लीक हाउस पहले आया, फिर उसके बाद जो है हार्ड टाइम्स आया, फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज आया, और लास्ट में है आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, 157 का ऑप्शन ए। और 158 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एर्नॉल्ड हैज एम्प्लॉयड हिज क्लासिकल थीम, बिल्कुल सही है ये, Arnold's poetry appeals to the reader's mind only, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 158 का ऑप्शन बी। और 159 Tennyson's Ulysses is a poem expressing need for going forward and ब्रेविंग, ये मिसप्रिंट हो गया, ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ होना चाहिए, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ये दोनों चीज़ें सही हैं यूलिसीज के बारे में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 159 का ऑप्शन डी। तो ये जो है, हाँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए और भी बता दूं कि अब जो केवल और केवल पीजीटी के हैं, जिनका टीजीटी में फॉर्म नहीं पड़ा है, जो केवल पीजीटी देना चाहते हैं, तो वो कृपा करके मेरे पास फ़ोन कर देंगे, मैं जो कुछ मटेरियल बचा हुआ है पीजीटी के लिए उनके पास मैं भेजता रहूँगा, और केवल क्वेश्चन पीजीटी के लिए लिखूँगा। थैंक यू वेरी मच।